अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर बिजनौर में पश्चिमांचल पावर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बिजली विभाग के ठेकेदारों ने विद्युत वितरण खंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और कार्यालय परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। ठेकेदारों का आरोप है कि बिजनौर विद्युत वितरण खंड कार्यालय में तैनात लेखाकार अपने आप को निदेशक वित्त पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का रिश्तेदार बताकर ठेकेदारों का उत्पीड़न करता है। साथ ही ठेकेदारों ने पिछले चार सालों से लंबित भुगतान दिलाने की मांग करते हुए लेखाकार का स्थानांतरण कराने की मांग की है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। हमारी मुख्य तीन मांगे हैं। 3 अप्रैल को हमने ज्ञापन के द्वारा सभी को, जितने हमारे उच्च अधिकारी हैं, यहाँ तक कि हमने अपनी मांगे ऊर्जा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे MD साहब मेरठ में बैठते हैं, सभी को ज्ञापन के द्वारा, ईमेल के द्वारा हमने सभी को दे दी गई। पहली मांग है जो हमारे खंडीय लेखाकार निखिल अग्रवाल जी हैं, उनके स्थानांतरण, क्योंकि वो एक तरह से अपने डायरेक्टर फाइनेंस है हमारे, उन्हें अपना रिश्तेदार बताते हैं और कमीशन हद से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। काम कर दिए गए थे, उनके अनुबंध अभी तक नहीं हो पाए हैं। 2 करोड़ से ऊपर की पेमेंट हम लोगों की फंसी हुई है। कभी भी कोई भी किसी तरह की घटना होती है, कोई तूफान आता है या कोई डैमेज होता है, हमारे लोग रात में 12 बजे 1 बजे जाके वो काम पूरा करते हैं, लेकिन उसका एग्रीमेंट तक नहीं कर पाते ये लोग, अपने ड्यूटी बचाने के चक्कर अपने काम करा लेते हैं। हम लोग पिछले 4 साल से इस चीज को झेल रहे हैं। अब हमने 1 महीने पहले इस चीज की मांग उठाई है। हमें बड़े बड़े अधिकारी आके आश्वासन देते जाते हैं। 21 तारीख को हमें रिटर्न में ये आश्वासन दिया हुआ है हमारे अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल बिजनौर की तरफ से कि आपकी मांगे 4-5-6 दिन के अंदर हम पूरी कर देंगे। आज तक हमारी कोई भी मांग पूरी होने दूर की बात है, अधिकारियों को सुध भी नहीं लेते हैं हमारी। इसीलिए आज मजदूर दिवस के दिन हमने एक सांकेतिक धरने का आह्वान किया है और कल से हम लोग आम अनशन पर बैठेंगे।